अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम जा रहे हैं एबटाबाद। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये मैं व्लॉग डाल रहा हूँ, तो थोड़ी मसरूफियात में मुबतला था, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को कैसे स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बस अभी हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, तकरीबन सुबह के 6:30 बज रहे हैं, बस गाड़ी आने वाली है, उसके बाद अपने सफर का आगाज़। ठीक है, फाइनली गाड़ी आ चुकी है मेरे पीछे, देख सकते हैं अभी हम लोग निकलने लगे। दोस्तों फिलहाल हम अभी पहुंचे हैं चक्री पे, यहाँ से उन्होंने पेट्रोल डलवाया है, अब हम लोग आगे जाने लगे। यहाँ से कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए ले लेते हैं, वासिफ ले रहा है साथ में, तो गंदिल भी है, फिर आगे निकलते हैं। थैंक यू चाचू, पुलिस वालों ने चेकिंग की और उन्होंने हमें जाने दिया। हवेलियाँ इधर है, एबटाबाद इधर। हाँ, तो अभी हम लोग चौक में पहुंचे हैं, इस तरफ जाएगा एबटाबाद और पीछे रह गया हवेलियाँ। ज़बरदस्त भी होगा।
अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे हमारी लोकेशन ये वाली है शिमला पहाड़ी। तो बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर रह गया है। यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, आप देखिए कैसे हमारी गाड़ी चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये है शिमला पहाड़ी, जिसका भी मैंने आपको व्यू दिखाया है। अभी हम लोग जाने लगे हैं ऊपर, वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे कोई रेस्ट एरिया है, तो वहाँ पे जाके पहले खाना खाते हैं, उसके बाद ऊपर जाएंगे और मैं वहाँ पे जाके आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो चलिए जाके ढूंढते हैं कि कौन सी रेस्ट एरिया में हम लोग खाना खाने वाले हैं। जी फ्रेंड, अभी हम लोगों ने वहाँ पे सेटिंग की है, वहाँ पे पीछे कज़न लोग बिछा रहे हैं कपड़ा वगैरह, वहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये तकरीबन 5-6 मंजिला बन जाती है। हम लोग पहले स्टेप पे हैं, हमारे साथ मतलब फैमिली भी है, तो उन्होंने कहा कि पहले यहाँ पर खाना खा लेते हैं, उसके बाद ऊपर जाएँगे। तो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आपको ऊपर ले कर जाऊँगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, ये पहला स्टेप है। अभी तकरीबन 6 स्टेप ऊपर हम लोग जाएँगे, तो पहले खाना खाते हैं। जी फ्रेंड, अभी खाने का टाइम हो गया है, अभी हम लोग बैठ गए यहाँ पे, अब खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे। जी दोस्तों, ये था 2nd फ्लोर। अभी मैं ऊपर आया हूँ, मैंने कहा चलो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारी आबादी है पीछे, आप देख सकते हैं ये सारा जो मतलब एबटाबाद के नज़दीक जो शिमला पहाड़ी है उसके साथ जितनी आबादी है वो सारी यही है। तो अभी मैं इस तरफ आपको दिखाऊँ तो ये सारे इधर जंगल बने हुए हैं, ठीक है। इस जंगल से उस तरफ भी थोड़ी सी आबादी है। जी फ्रेंड, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये सिटिंग है, इन्होंने बनाया हुआ है, ये जितने भी ये चीज़ें सारी हैं ये लकड़ी की, इन्होंने ये इनको इनकी शेप दी हुई है, ठीक है। ये टेबल बना हुआ है, ये भी लकड़ी का है, और ये साथ में इन्होंने चेयर बनाई हुई है, ये 6 चेयर्स बनी हुई हैं। तो ये भी इन्होंने लकड़ी की ये शेप दे के इनको यहाँ पर सेट किया हुआ है, ताकि कोई भी बंदा यहाँ पर आके बैठ के रिफ्रेशमेंट कर सकता है, जो उसने खाना पीना हो। आए दोस्तों, मैं आपको एक और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये वाला एक शेप बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर ये लोग बारबेक्यू करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आग जलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे भी ये आग, इसके सारे वो कोयले वगैरह होते हैं, यहाँ पे ये बारबेक्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये सारी सेटिंग लगानी होती है। इसके अलावा वहाँ पर एक सेटिंग है, वहाँ ऊपर भी सारी सेटिंग लगी हुई है। शाम के वक्त ये यहाँ पर सेटिंग वगैरह करते हैं, ताकि लोग जो भी यहाँ पर आएँ वो रिफ़्रेशमेंट करते हैं यहाँ पर। तो ये पहला ज़बरदस्त व्यू है, आप देख सकते हैं। जी फ्रेंड, फाइनली मैं सबसे जो ऊपर वाला फ्लोर उस पर आ गया हूँ। यहाँ पे ये बच्चों के जितने भी झूले वगैरह हैं, ये पार्किंग एरिया बना हुआ है बच्चों के लिए स्पेशली, यहाँ पे आके बच्चे झूले वगैरह लेते हैं। इस तरफ मैं अगर आपको दिखाऊँ तो वहाँ पीछे निशानेबाजी वाला बैठा हुआ है,
साथ में ये ऊंट सवारी वाला है, और पीछे थोड़ा सा जाए तो वहाँ पे छोटा सा कैफे बना हुआ है, उसमें जाके बच्चे आइसक्रीम वगैरह वो निम्को वगैरह लेते हैं। इस तरफ सारे ये झूले हैं, आप देख सकते हैं सारे झूले। तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे मैं आ चुका हूँ, तो मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ। वहाँ आप नीचे देख सकते हैं, आपको ठीक से नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बैक कैमरे से जूम करके दिखाता हूँ कि हम लोग कितना ऊपर आ गए हैं। अब हम लोग जाते हैं नीचे। अभी आप लोग देखिए कि हम लोग कितने ऊपर आ गए, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग मौजूद हैं इधर एबटाबाद से थोड़ा सा आगे है, शिमला पहाड़ी के नाम से ये जगह मशहूर है। तो हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सारा विजिट किया जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। अब हम लोग जाने लगे हैं वापस, तो चलिए वापसी का सफर शुरू करते हैं। वहाँ रास्ते में जितने व्यूज आएंगे या जितनी जगह पे हम लोग ठहरेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, फाइनली यहाँ का टूर खत्म हो गया, अब हम लोग वापसी के लिए निकलने लगे। जी दोस्तों, फाइनली हम अपने सेकंड टारगेट पे पहुंच चुके हैं। सेकंड टारगेट हमारा था खानपुर वाला जो डैम है वो देखना है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सारा डैम ही है। मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ, लेकिन आपको पसंद आएगा। दोस्तों ये है खानपुर डैम जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सारा पानी है इसमें, ये सारी किश्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं। अभी हम इसके अंदर भी सफ़र करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो काली आ रही है, उसके लिए माजरा। जी दोस्तों, अभी हम लोग बोट में बैठने लगे हैं, तो चलते हैं। इस बोट में हम लोग बैठेंगे फैमिली के साथ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कमाल का व्यू। दोस्तों अभी हम लोग बोट में बैठ चुके हैं, अब बोट रेडी है, बिल्कुल निकलने वाली है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा अमेजिंग व्यू आता है। ये यहाँ से इसके धागे बांध लो ताकि आप जब डूबने लगे लम्हा पे फिर आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। हाँ, मुझे दे मेरा कैमरा। वाओ, देख सकते हैं ये पानी है, ठीक है। इस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे पहाड़ी है।
जी दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आपको ये व्यू बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया ये व्यू। आपको जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको जैसा भी लगे आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है। और अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं, अभी बजे हैं 5:30, अंधेरा होने को है, तो अभी हम वापस जा रहे हैं वाघंड की तरफ। वहाँ पर एक लोकेशन है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा जाकर। तो चलिए वापसी के लिए चलते हैं। अभी हम लोग डैम खानपुर डैम है, उसमें मौजूद थे, आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, फाइनली हम अपनी लोकेशन में पहुंच चुके हैं। ये है वाघंड का एरिया। तो यहाँ पे हम लोग अभी टाउन में आए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने दोस्त से मिलना था, तो उसे भी हम लोगों ने मिल लिया। अभी हम लोग जाने लगे हैं फैसल मस्जिद। तो चलिए वहाँ का सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में रात हो जाएगी और रात का व्यू पता नहीं कैसा होगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से अच्छा व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं। जी दोस्तों, अभी हम लोग फैसल मस्जिद में पहुंचे हैं। ये रात का समय है तो इस वजह से वीडियो सही नहीं बन पा रही, लेकिन ये मस्जिद है आपके सामने है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी लाइटें फिल वक्त के लिए बंद हैं, तो मेरे कैमरे का रिजल्ट भी थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसी वजह से मैं वीडियो फ्रंट से नहीं बना पा रहा। तो अभी हम लोग यहाँ से एंटर होने लगे हैं, ये इसका एंट्रेंस है। वहाँ से आपने अंदर इंटर होना है, तो यहाँ आपको सबसे पहले इधर देखने को मिलेगा फैसल मस्जिद की जो डिटेल है कि ये कब और किस सन में किस बंदे ने ये बनाई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ फ्लैश ऑन करके दिखा देता हूँ, आप जूम करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पूरी डिटेल है इसकी, आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश में भी है। तो अभी हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, इस तरफ से यहाँ से हम लोगों ने ऊपर जाना है, तो इस तरफ भी हम लोग जाएंगे। जो वो नई जगह बनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन पहले हम लोग यहाँ इस तरफ जाएंगे, यहाँ से मस्जिद वगैरह देखते हैं। फिलहाल इन्होंने लाइटें यहाँ से ऑफ़ की हुई है, इनसे मैं ऑन करवाता हूँ। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी बुक्स मिल सकती हैं, आप उसके अंदर से ही बुक्स खरीद सकते हैं। फैसल मस्जिद के अंदर ये इन्होंने बाहर ये स्टॉल लगाया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे अंदर इनकी शॉप है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं चल सकता। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हुई है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। जब भी यहाँ पे आए तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। तो अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल हमारे मस्जिद सामने है। माशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है ये, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, शुक्र है ये कोरोना केसेस कुछ कम हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों की ये रौनकें बहाल हुई हैं। तो यहाँ से होने के बाद मैं वहाँ जाऊँगा इंशाल्लाह, वहाँ पर तो वहाँ पर भी जा कर देखते हैं कि उन्होंने क्या नया बनाया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। जी दोस्तों, ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें, कमेंट करके लाजमी बताएं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसल मस्जिद में, मैंने सोचा यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड कर देता हूँ, क्योंकि आगे अपना ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि गाड़ी में बैठ जाना है, उसके बाद हम लोग उन्हें फ़ौरन घर चले जाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग मिलेंगे, और इससे बेहतरीन ब्लॉग मैं आपको बना के दिखाऊँगा इंशाल्लाह। आज का व्लॉग यही था, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।